वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट नेजल ड्रिप पीएनडी, या हिंदी में जिसको नाक का पानी गले में आने की समस्या बोलते हैं। तो यदि हम इसकी बात करें पीएनडी, तो इसमें क्या होता है कि जो नाक का जो पानी होता है काफी पतला होता है, ये बाहर निकलने की वजह ये क्या होता है जब आप रात को लेटते हैं, वैसे दिन में भी ये क्या होता है आपके गले में आता है। इसके काफी सारे कारण होते हैं। पहला जो कारण इसका जो होता है वो होता है कि ठंड की वजह से या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। दूसरा जो होता है एलर्जी की वजह से, हो सकता है आपको किसी तरीके से एलर्जी हो, किसी खाने से या फिर डस्ट से एलर्जी हो, या किसी तरीके के कपड़े से आपको एलर्जी हो, तो ऐसा होता है। उसके अलावा कुछ व्यक्तियों में जो साइनस की प्रॉब्लम होती है, मतलब जो अंदर का पार्ट होता है उसमें सूजन होती है, या फिर नाक की हड्डी में कोई प्रॉब्लम होती है, या जो चौथा जो कारण होता है जैसे कि किसी व्यक्ति को यदि नाक के साथ साथ में कान में भी इन्फेक्शन है, तो कान के इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होता है कि जो जो पानी है नाक का जो वो क्या होता है कि जो गले में आ सकता है। उसके अलावा अन्य कारण भी होते हैं, जैसे कि आपको ठंड में ऐसा हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ महिलाओं में समस्या पाई जाती है, या फिर मौसम में किसी तरीके का बदलाव है, या फिर मौसम बहुत ज़्यादा ड्राई है। उसके अलावा या आप बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, या फिर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी बर्थ कंट्रोल पिल्स भी होती हैं, जन्म नियंत्रण दवाएं, जिनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। यदि हम बात करें पोस्ट नेजल ड्रिप के क्या लक्षण क्या होते हैं, तो पहला क्या होता है कि आपको हमेशा आपको गले में ऐसा महसूस होगा कि आपके गले में कुछ अटका है, कुछ आपको निगलने की जरूरत है, आपका गला साफ नहीं होता है। ज्यादातर ये समस्या जब बढ़ जाती है जब आपको आप सोने जाते हैं, आपको गले में खराश महसूस होती है, साथ साथ में क्या होता है ऐसे व्यक्तियों में सांसों में जो बदबू है वो वगैरह भी आ सकती है। उसके अलावा कुछ व्यक्तियों में इसकी वजह से क्या होता है कि उल्टी वगैरह की समस्या, जी मतलाना भी हो सकता है। यदि हम बात करें पीएनडी की जांच कैसे होती, आमतौर क्या होता है कि इसकी जांच की जरूरत नहीं होती, आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, बट कुछ लोगों में बहुत अगर कॉमन समस्या होती है लगातार बनी रहती है तो आपके डॉक्टर कुछ जांच करवा सकते हैं, जैसे कि पहला जो टेस्ट होता है कि जैसे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, ईएसआर और सीआरपी, इसके जरिए आपके डॉक्टर ये देखना चाहते हैं आपको किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। दूसरा होता है कुछ अन्य टेस्ट भी आपके डॉक्टर करवा सकते हैं, जैसे कि एलर्जी टेस्ट, आपको किसी तरीके की एलर्जी हो सो आपको डॉक्टर पता करेंगे आपको क्या खाने से आपको ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से वो आपके डॉक्टर आपको एलर्जी टेस्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा कुछ डॉक्टर आपको टीबी का टेस्ट या फिर जो आपका बलगम का कल्चर वगैरह भी करवा सकते हैं, जिससे पता करेंगे आपको टीबी वगैरह तो नहीं है। उसके अलावा हो सकता है आपको चेस्ट एक्सरे की भी जरूरत पड़े, इससे पता चल जाएगा कि समस्या क्या है। यदि हम इसके घरेलू इलाज की बात करें तो क्या होता है, तो इसका जो घरेलू इलाज होता है तो बेस्ट है कि यदि आप जो है ना भाप जो है सेक लें, स्टीम लें, तो इससे काफी हद तक आपको फायदा मिलेगा। ये भाप जो है आप वेपराइजर के जरिए भी ले सकते हैं। उसके अलावा नमक का पानी जो है रात को सोते वक्त अगर आप गर्म पानी जो गुनगुना पानी पियेंगे, या फिर नमक के पानी के आप गलाले दिन में 2-3 बार कर लेते हैं, तो ये समस्या थोड़ी दूर हो सकती है। उसके अलावा आप अदरक शहद की चाय वगैरह आप पी सकते हैं रात को सोने से पहले। उसके अलावा अदरक की चाय भी आप चाहें तो दिन में 2 बार ले सकते हैं, या फिर अदरक और हल्दी की चाय, इससे भी क्या होगा कि सूजन है, साइनस की समस्या वगैरह दूर होगी। उसके अलावा पुदीना या मेथी की चाय भी दिन में 1 बार आप पी सकते हैं, साथ साथ में जो गुनगुना स्नान वगैरह सेक वगैरह करें और ठंडे पानी से आप बचें। यदि हम इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो आपके डॉक्टर आपको बेस्ट है बताने के लिए, बट जनरली आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देंगे 4-5 दिन के लिए यदि आपको इन्फेक्शन होगा, उसके साथ में एंटी एलर्जिक जैसे सिल्डिवोसेट्रिजिन वगैरह भी दे सकते हैं। उसके अलावा नेजल ड्रॉप्स वगैरह भी आपके डॉक्टर दे सकते हैं। यदि हम बात करें कि बचाव के लिए क्या खाएं, तो उसके लिए आप जो है प्रोटीन डाइट ज्यादा से ज्यादा लें, इससे क्या होगा कि आपकी समस्या दूर होने में मदद मिलेगी। उसके अलावा आप फाइबर डाइट वगैरह ले सकते हैं। उसके अलावा विटामिन सी फ्रूट्स वगैरह आप इनका ज्यादा सेवन करें, इससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और आपको बार बार इस समस्या होने से बचेगी। उसके अलावा यदि हम बात करें आपको क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, तो उसके लिए आप तले हुए खाद्य पदार्थ वगैरह ना खाएं, ठंडा पानी, ठंडे खाद्य पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कम से कम लें, और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि दूध दही वगैरह। उसके अलावा ज़्यादा नमक का भी सेवन ना करें।
तो इस वीडियो में हमने बात करी कि पोस्ट नेजल ड्रॉप क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या है, फिर इसकी जांच कैसे करवाते हैं, तो उसके घरेलू इलाज। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।